ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने में विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के फेलियर के बाद 1905 ईस्वी में लॉर्ड रैले और जेम्स जीन्स ने एक नए अप्रोच के साथ एक बार फिर इस कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली रैले जीन्स लॉ भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन दिस वीडियो ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हम जानेंगे कि रैले जीन्स लॉ क्या है, साथ ही रैले जीन्स लॉ के फेलियर की वजह यानी अल्ट्रा वॉलेट कैटास्ट्रॉफी को भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीन की तरह ही रैले और जीन्स भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बॉडी ग्लो कैसे करती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी इंसिडेंट होने वाली सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ग्लो करने लगती है तो उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। ग्लो करते हुए ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करती है उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। एक ब्लैक बॉडी से अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग अमाउंट में रेडिएशन एमिट होते हैं। इसे समझने के लिए रैले और जीन्स ने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प ली। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग सिस्टम के ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी होती है। जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल वाइब्रेशन और रोटेशन करता है तो दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी हाफ के टी होगी। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल मोशन भी है तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग भी एनर्जी हाफ के टी होगी। रैले और जीन्स ने इसी थ्योरम को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए अप्लाई किया। रेडिएशन के हर एक मोड के लिए एनर्जी हाफ के टी होगी। रेडिएशन में कितने मोड हैं इसे समझने के लिए एक बॉक्स कंसीडर करते हैं। अगर रेडिएशन की वेवलेंथ बॉक्स की साइज के इक्वल है, मतलब बॉक्स में एक ही वेवलेंथ फिट हो सकती है, तो उसका मोड 1 होगा और एनर्जी हाफ के टी होगी। अगर वेवलेंथ हाफ हो जाती है तो बॉक्स में रेडिएशन की 2 वेवलेंथ फिट हो सकती है और उसका मोड 2 होगा और एनर्जी 2/2 के टी होगी। इसी तरह जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी मोड बढ़ते जाएंगे और एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर रैले जीन्स लॉ के इस प्रिडिक्शन को ग्राफ पर ड्रॉ करें तो जैसे जैसे लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की ओर बढ़ते हैं तो मोड इंक्रीज होने के साथ साथ रेडिएशन भी बढ़ते जाते हैं। अल्ट्रा वायलेट एक्सरे और गामा रे के लिए वेवलेंथ इतनी कम होती है कि नंबर ऑफ नोड्स बहुत अधिक हो जाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रीजन में रैले जीन्स लॉ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रिडिक्ट करता है। इसे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 0 से अधिक कुछ भी हो तो शॉर्टर वेवलेंथ की ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएट होंगी, लेकिन यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है। बट इन रियलिटी ब्लैक बॉडी रेडिएशन इससे अलग बिहेवियर शो करती है, जिसे एक्सप्लेन करने में रैले जीन्स लॉ फेल हो गई। क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और रैले जीन्स लॉ के फेलियर के बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग ही तरह के फिजिक्स की ज़रूरत थी। ये काम किया मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने क्वांटम मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करते हुए ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। क्वांटम मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांक रेडिएशन लॉ की हेल्प से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को समझेंगे।